सलाम दुआएं और प्यार और सुनाएं आप लोग कैसे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इस वक्त मैं बनाने लगी हूँ सालन मटन गोश्त का, तो फिर आप मेरे साथ रहें तो आपसे शेयर करते हैं। चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। चलें फिर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लेम मैंने जला लिया, तो अब रख देते हैं इसके ऊपर गोश्त का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अब डाल देते हैं इसमें मटन। ये मटन है, ये माशाल्लाह से 1.5 किलो के करीब है। अब इसको डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें डाल देते हैं नमक, ये बाद में डालेंगे मसालों के साथ। और साथ में डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। जैसा कि अब डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ज़्यादा डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो अब चला देते हैं इसमें चम्मच और इसको रख देते हैं ढक्कन लगा के, और फिर थोड़ी देर बाद डालेंगे इसमें प्याज टमाटर वगैरह, तो फिर आपसे शेयर करूँगी। तो चलें फिर उस वक्त के लिए इसको ढक के रख देती हूँ हल्की आँच पे, ठीक है। अब इसमें चला देते हैं चम्मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसको रख देते हैं पकने के लिए। जब ये सब चीज़ें पक जाएंगी गल जाएंगी इंशाल्लाह ताला, फिर भूनते हुए आपको दिखाऊंगी। जब पक जाएगा फिर आपसे शेयर करूंगी। और यहाँ मैंने काट लिए हैं 2-10 शलजम, कि इनके पापा के लिए शलजम गोश्त का सालन बनाऊंगी। इनके पापा और मैं शलजम गोश्त हमें पसंद है, बच्चे नहीं खाते तो इसलिए बच्चों के लिए ये अलग सालन बना दूंगी। और थोड़ा सा गोश्त निकाल के ना कुछ गोश्त इसमें सालन में डाल दूँगी, सिर्फ मैं और इसके पापा के लिए। तो चलें फिर ऑयल भी डाल देते हैं अभी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक से ज़्यादा हो गया बिल्कुल। चलें ज़रूरत पड़ेगी तो भी डाल लेंगे, वैसे ही ज़्यादा ही डल जाता है हमेशा मेरे से, तो कम तो नहीं होता, ज़्यादा हो जाता है। और हालांकि मुझे इतने सख्ती से मना किया डॉक्टर ने ऑयल खाने से, थोड़ा और डाल देती हूँ बल्कि। चले तो उसको ढक देते हैं, थोड़ा सा ढक्कन डाल देते हैं इसका। चलिए फिर जैसे कि आप देख सकते हैं गोश्त का पानी सूख चुका है, और टमाटर प्याज और लहसुन अदरक मतलब सब कुछ मसाला मिक्स हो गया। तब आ गया ये भुनाई पे। अब इसको हम भून लेते हैं, खूब अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेते हैं। और फिर इसमें डालते हैं थोड़ा सा कोरमा मसाला, और थोड़ा सा डालते हैं इसमें धनिया। धनिया में ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं भी डाल दूँगी इसको काट के, जैसा कि मैंने रख लिया धनिया, लेकिन काट के धो के वॉश करके रख दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो डाल देते हैं धनिया भी अभी, अभी गोश्त के साथ ही भुनाई हो जाएगी इसकी धनिया की भी, तो फिर बहुत अच्छी खुशबू आएगी। साथ में डाल देते हैं इसमें कोरमा मसाला, तो अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेते हैं और कोरमा मसाला डाल के, और फिर ना अपने हिसाब से पानी डाल देंगे। चलो अच्छी तरह बनाई होगी इसकी, थोड़ा सा डाल देते हैं कोरमा मसाला, इतना हमारे हिसाब का मतलब।
दही आज खत्म है घर में, दही डालते तो इसका जायका और भी अच्छा हो जाता है। दही माशाल्लाह होता है रोजाना, लेकिन रोजाना माशाल्लाह हमारे घर में वो चटनी बन जाती है, सलाद मतलब जैसे चावल बन जाए उसके साथ रायता बन जाता है, चटनी बनती रहती है माशाल्लाह। तो आज खत्म है, और मैंने इनके पापा से कहा भी नहीं तो लेकर आते, नंबर से कहा, नंबर ले आती जब बाहर से आए तो। जैसे इसको अच्छी तरह भून लेते हैं फिर उसमें डाल देते हैं पानी। जैसे कि आप देख सकते हैं गोश्त माशाल्लाह से हमारा अच्छी तरह भून चुका है, बहुत अच्छी तरह से मैंने बुनाई कर ली है। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी जितना हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, थोड़ा डालूँगी कम ज़्यादा नहीं। तीन चार उबाले आएंगे तो उसको उतार लेंगे। माशाल्लाह से सालन हमारा हो गया तैयार, तो अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सालन हो चुका है हमारा तैयार, तो हमने डिश आउट कर लिया प्लेट में, देख सकते हैं माशाल्लाह से सालन मज़ेदार बना हमारा तैयार हो चुका है, गर्मा गर्म सालन। और अब हम साथ में बना लेते हैं रोटियां। जैसा कि आपने देखा कि सालन मेरा तैयार हो चुका है, और मैंने डिश आउट भी कर दिया, और अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, अभी बना लेते हैं रोटियाँ। तो मुझे दें इजाज़त, अपना और अपने प्यारों को रखें ख्याल, फिर मिलती हूँ किसी नए काम के साथ, किसी नए रूटीन के साथ, और किसी नए व्लॉग में, किसी नए रेसिपी के साथ। उस तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।